सेवा जोहार साथियों मैं हूँ अजय गोटे और लेकर आया हूँ आपके लिए हमेशा की तरह गोंडी भाषा सीखने के लिए एक और नया वीडियो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे हर वीडियो में हम गोंडी भाषा में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और आज के वीडियो में भी हम गोंडी भाषा में कुछ संज्ञाओं के नाम सर्वनाम विश्लेषण क्रियाएं एवं क्रिया विश्लेषण इत्यादि नए नए शब्द गोंडी भाषा में सीखेंगे तो चलिए साथियों वीडियो सबसे पहले करते। जानते हैं कुछ क्रिया विश्लेषण जैसे गोंडी भाषा में इंगा जिसका हिंदी में अनुवाद होता है अब या अभी इसी तरह गोंडी भाषा में अगला शब्द है इंगे या फिर इंगो जिसका हिंदी में अर्थ होता है हाँ अगला क्रिया विश्लेषण है गोंडी भाषा में इदे के या इदेक जिसका हिंदी में अर्थ होता है अभी या फिर इसी समय हमारा अगला गोंडी भाषा का शब्द है ईगा या ईगे जिसका हिंदी में अर्थ होता है यहाँ पर या यहाँ अगला शब्द है गोंडी भाषा में हिक्के या हित फाकड़ जिसका हिंदी में अनुवाद होता है इधर या फिर इस तरफ बढ़ते हैं आगे अगला गोंडी का शब्द है हक्के या हद फाकड़ जिसका हिंदी में उधर या फिर उस बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्रिया विश्लेषण की तरफ जो कि है गोंडी भाषा में इगडल जिसका हिंदी में अर्थ होता है यहां से इसी तरह ओगडल या होगड़ल जिसका हिंदी में अर्थ होता है वहाँ अगला शब्द है इचर जिसका हिंदी में अर्थ होता है इतना इसी तरह अचर जिसका हिंदी में अर्थ होता है उतना बढ़ते हैं आगे अगला शब्द है हमारा गोंडी भाषा में इदम जिसे हिंदी में इस तरह या इस प्रकार कहते हैं हमारा अगला क्रिया विश्लेषण है गोंडी भाषा में ईदगन जिसका हिंदी में अर्थ इस बार होता है इसी तरह उदगन या फिर हदगन जिसका हिंदी में अर्थ होता है उस बार बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्रिया विश्लेषण की ओर जो कि है गोंडी भाषा में इहुन या इदम जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऐसा या फिर ऐसे अगला क्रिया विश्लेषण है इहे या फिर इदमें जिसका हिंदी में अर्थ होता है इसी तरह या इसी प्रकार ये तो हुए कुछ क्रिया विश्लेषण चलिए अब कुछ क्रियाओं के गोंडी भाषा और हिंदी में अनुवाद जानते हैं जैसे हिंदी में बनाना या पकाना जिसे गोंडी भाषा में हम अट्टीना कहेंगे हिंदी में रोना जिसे गोंडी भाषा में हम अड़ीना कहेंगे अगला हिंदी का, का क्रिया है हंसना जिसे गोंडी भाषा में कवि हमारा अगला हिंदी का क्रिया है गिरना जिसे गोंडी भाषा में अरिना कहते हैं इसी तरह अगली क्रिया है गर्म करना या तपना जिसे गोंडी भाषा में आरना कहते हैं हमारा अगला हिंदी का क्रिया है होना जिसे गोंडी भाषा में आया ना कहते हैं बढ़ते हैं आगे हमारा अगला क्रिया है हिंदी भाषा में मैं हूँ जिसे अगर आपको गोंडी भाषा में कहना हो तो आंदन या फिर आंदोना इस तरह से कहेंगे साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप ऐसे ही गोंडी भाषा सीखने से जुड़े नए नए वीडियोज़ देखने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और से हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सेवा जोहार